तो फ्रेंड्स, ये जवाहरलाल नेहरू प्लेनेटोरियम से निकल के हम लोग अब आ चुके हैं नेशनल मिलिट्री मेमोरियल पे। ये देख सकते हैं, अब चलते हैं इस नेशनल मिलिट्री मेमोरियल में अंदर और देखते हैं यहाँ की हम लोग क्या एडवेंचर करते हैं। अंदर देखिए, बच्चों के लिए प्ले एरिया भी और काफ़ी खाली है। ये देखिए उन्नति की बुआ हाँ, एकदम झूले खाली पड़े हैं, लग रहा है अभी उन्नति होती तो सब पे कितना झूलती कितना घूमती। सब झूले खाली पड़े हैं यहाँ पे। वो देखिए उन्नति की बुआ को देखिए तो ये देखिए हम लोग आज सब झूले लग रहा है उन्नति के इंतजार में खाली पड़े हुए हैं। ये उन्नति की बुआ है, उन्नति की कमी पूरी कर रही है यहाँ पे। तो ये देखिए इस मिलिट्री मेमोरियल में ये टैंक है, ये तो यूजीवी है, वो हम देख सकते हैं MiG-21 है। ये टेम्परेरी ब्रिजेस हैं। अब हम चल रहे हैं टैंक और हेलीकॉप्टर के पास। ये टेम्परेरी ब्रिजेस ऐसे ही आर्मी यूज करती है। और ये हम देख सकते हैं टैंक है, डिटेल्स यहाँ मेंशन नहीं है, नहीं तो मैं आपको ज़रूर बताता। ये देखिए यहाँ पे एयरक्राफ्ट, ये हेलीकॉप्टर भी है और लाइट एयरक्राफ्ट है। और देखिए यहाँ पे बहुत पृथ्वी मिसाइल है, अग्नि मिसाइल है। प्रोग्राम्ड ये ब्रह्मोस, आकाश, ये सारी मिसाइल्स यहाँ पे DRDO और इंडियन आर्मी के द्वारा जो यूज़ की जाती हैं वो लगाई गई हैं। साथ में ये देख रहे हैं ये नाग है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि नेवी की शिप्स भी हैं यहाँ पे। ये हमें जो सबसे पहला दिख रहा है ये एयरक्राफ्ट कैरियर है भारत के पास, INS विक्रांत जैसे कि एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि अभी अब रिटायर भी कर दिया गया है। ये किसका डिस्प्ले है ये तो मैं नहीं बता पाऊँगा। साथ में एक ये भी एयरक्राफ्ट कैरियर ही लग रहा है, नहीं एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है शायद, मुझे बहुत जानकारी नहीं है क्योंकि मैं डिफेंस पर्सन भी नहीं हूँ और मैंने कभी आर्मी या नेवी में काम भी नहीं किया है। जो भी मेरा इंटरेस्ट है वो सिर्फ न्यूज़ से और अलग अलग वीडियोस से ही है। बाकी हम देख पा रहे हैं जैसे कि ये मिसाइल्स डिस्प्ले की गई हैं, पहली नाग है, फिर आकाश है, फिर ब्रह्मोस है, आपको पृथ्वी है और सबसे लास्ट में सबसे ऊंची वाली वो अग्नि मिसाइल का मॉडल है यहाँ पे। तो अब हम आ चुके हैं इस मिलिट्री मेमोरियल में और देख पा रहे हैं ये 1962 के वॉर के गढ़वाल रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, JNK राइफल्स ने हमारे वीर देश के सपूतों के शहीदों के नाम है, डोगरा रेजिमेंट, इंडो चाइना वॉर 1962 के। और ये विजय स्तंभ यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत और हमारी शक्ति, अदम्य शक्ति और साहस का प्रतीक ये विजय स्तंभ। और राजपूताना राइफल्स, पंजाब रेजिमेंट, बिहार रेजिमेंट,
हमारी इस देश की मिट्टी को जिन्होंने अपने खून से सींचा है, उन सभी वीर सपूतों के नाम हैं। अलग अलग ऑपरेशंस में एक्शन ऑन बॉर्डर 1966 टू 1973 सबके ऑपरेशंस और अलग अलग वो फाइट्स जिसमें अब ये देखिए इंडो पाकिस्तान वॉर 1971 के पंजाब रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट सबके सभी वीर सपूतों के नाम हैं। और 15 अगस्त आने वाला है, ऐसे समय में ऐसी जगह पे जब हम होते हैं तो देश के इन वीर सपूतों के नाम देख के रोएं रोएं खड़े हो जा रहे हैं। इन्होंने हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए अपने सर्वोच्च बलिदान दिया है, अपने प्राणों की आहुति दी है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है बेंगलुरु में मिलिट्री मेमोरियल और ये हमारी एकता, हमारी शक्ति, अदम्य साहस के प्रतीक के रूप में ये स्तंभ एक ही पत्थर का नीचे से ऊपर तक पूर्णतः अडिग, पूरी तरह स्थिर, हमारे देश की अखंडता, एकता और शक्ति की तरह मजबूत। तो अब हम लोग बाहर आ चुके हैं मेमोरियल से और देखते हैं, फिर थर्ड डेस्टिनेशन पे चल रहे हैं और कहाँ चलना है देखते हैं हम लोग। टिल देन गुड बाय फ्रेंड्स, वीडियो पे बने रहिए। अगर सभी वीडियोस को पूरा देखिए, कोई कट, कोई शट, कुछ भी आपको आर्टिफिशियल कंटेंट नहीं मिलेगा। जो ओरिजिनल हम घूम रहे हैं, जो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, वही आपको दिखा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पे सभी वीडियोस को। अगर आप बेंगलोर मेरे साथ घूमना चाहते हैं तो देखती रहिए मेरी नज़रों से। टिल देन गुड बाय।